सत श्रीकाल जी। अज अपना टॉपिक पंक्चुएशन बड़ा ही वधिया टॉपिक है। एग्जाम दे विच इहदे नाल संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़िया गलतियां कर जाने बाद पछताने शायद आप कर लेंगे। है बड़ा सिंपल, तुसी तेन ध्यान नाल देखो सुनोगे ध्यान नाल तो तुहानू बड़ा सिंपल लगेगा। तो एग्जाम तो आप कदे भी मार नहीं खावांगे। तो बड़ा ही सौखा अपना अज टॉपिक है पंक्चुएशन। तो आप हम करांगे पंक्चुएशन। सत श्री अकाल जी। तो अज आप करांगे पंक्चुएशन जिन्हां नूं पंजाबी दे विच कहिंदे ने विश्राम चिन्ह। जिन्हां चिन्हां दी वरतों नाल वाक दे अर्थ नूं स्पष्ट करन विच सहायता मिलती है उन्हां चिन्हां नूं पंक्चुएशन कहिंदे हन। ध्यान नाल सुनो बेटा, जिन्हां चिन्हां दी वरतों नाल वाक दे अर्थ नूं भी वाक दा आपां नूं अर्थ पता लगे, अर्थ नूं स्पष्ट करन विच सहायता मिलती है उन्हां चिन्हां नूं पंक्चुएशन कहिंदे हन। जो आप वाक बोलते हैं तो अलग अलग वो आप चिन्ह लाने कितने कोमा लाने कितने आप फुल स्टॉप लाने कितने क्वेश्चन मार्क लाने तो उस वाक के जो अर्थ है सेंटेंस के अर्थ है ना वो आप समझ लग जाते हैं। ये चिन्ह है कि देखो फुल स्टॉप की इस तरह एक बिंदु होंगे फुल स्टॉप, फिर कोमा इस तरह होंगे, फिर सैमी कोलन उपर बिंदु थले कोमा, फिर आ गया कोलन दो बिंदु, फिर क्वेश्चन मार्क आ गया बेटा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन डंडी थले बिंदी, इनवर्टेड कोमास सीधे ते पुठे कोमे ये आ जाता है। हुण ये कोमे ये क्वेश्चन मार्क ये बिंदी ये सैमी कोलन ये कितने कितने वरते जाते हैं। एक एक चीज़ नूं ध्यान नाल सुनो बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पेपर दे विच आप आम रूटीन दे विच सही लिख लेने हैं पर जिहड़े कोमे ये फुल स्टॉप सैमी कोलन कोलन कुछ भी अजे जो चिन्ह है ये अगे पिछे ला दिए तो सारे का सारा लिखा गलत हो जाता है। हुण आप एक एक नूं ध्यान नाल पढ़ांगे बेटा। तो हुण आप पढ़ांगे फुल स्टॉप। किसी भी संधारण वाक कोई भी आप संधारण वाक लिखते हैं तो पिछे फुल स्टॉप लग जाता है। जिस तरह ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, गल पूरी हो गई पिछे फुल स्टॉप। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, गल पूरी हो गई संधारण वाक पिछे फुल स्टॉप। आई बॉट मैंगो, पीछे फुल स्टॉप। किसी भी संधारण वाक के पीछे फुल स्टॉप लगता है, फुल स्टॉप बने फुल स्टॉप, गल पूरी होगी रुक जाओ उस तो बाद अगली गल करनी है फुल स्टॉप। हुण नंबर दो ते जो कि आप वर्ड नूं सफेद करके लिखते हैं छोटा करके लिखते हैं उदों आप फुल स्टॉप की वरतों करते हैं। जिस तरह कोई महीने का नाम नवंबर, एन शॉर्ट किस तरह लिखते हैं आप बेटा एन ओ वी फुल स्टॉप। कोई दिन का नाम मंडे फुल स्टॉप। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर किस तरह कराने पी फुल स्टॉप फुल स्टॉप शॉर्ट चले थे जो उन्होंने फुल स्टॉप लगता है। उस तो बाद आ गया बेटा कोमा। हाँ जी बेटा जी हम करेंगे आप कोमा। कोमा कितने वर्ते हैं जो आप कोई सेंटेंस बोलते हैं थोड़ा जहा ठहराव लें
किसी वाक दे शब्दों अलग अलग करके लिखन लई कोमा की वरतों की जाए, किसी वाक के शब्दों अलग अलग करके लिखन लई कोमा या चिन्ह यदि वरतों की जाती है। वो किस तरह बेटा देखो, आई आई बॉट अ पेन कोमा अ पेंसिल एंड अ बुक फुल स्टॉप। हम देखो ये वाक सी यदि आ शब्द अ पेन कोमा अ पेंसिल एंड अ बुक पीछे फुल स्टॉप, तो अलग अलग जो शब्दों लिखने वास्ते कोमा की वरतों की जाती है। इस तरह ही जिस तरह मोहन कोमा रोहित कोमा विक्की एंड राजू आर माई फ्रेंड्स। देखो मोहन कोमा रोहित कोमा विक्की एंड राजू आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त ने। इन अनुसार आप कोमा ला के अलग अलग दर्शा दें। ऐसे तरह ही सब कोमा आई कैन नॉट पे माय फीस, सर तो बाद कोमा नो, नो तो बाद कोमा आई डिड नॉट गो टू डेली फर्स्ट ऑफ सर तो बाद कोमा नो तो बाद इस तरह यस बाद कोमा यस आई एम एट होम फर्स्ट ऑफ यस तो बाद कोमा एक और वेल लेट अस रन अ रेस वेल तो बाद कोमा यस तो बाद कोमा नो तो बाद सर तो बाद कोमा इस तरह कोमा लगता है। इसी तरह कोमा हूँ आप करेंगे सैमी कोलन। हाँ जी बेटा जी हूँ सैमी कोलन। सैमी कोलन की है बेटा जदों कोमे तो ज़्यादा ठहरा हो विश्राम होवे उदों सैमी कोलन लगता है। जो आप कोमे तो ज़्यादा रुकी उदों सैमी कोलन लगता है, सैमी कोलन बिंदी थले कोमा। जिस तरह शी इज एन अमेरिकन अमेरिकन शी इज एन अमेरिकन सेमी कोलन शी कोमा अ डच फुल स्टॉप। शी इज एन अमेरिकन रुके शी कोमा अ डच फिर ही इज अ सिंगर सेमी कोलन he comma a dancer full stop। he is a singer upper okay he comma dancer you dancer hai or singer is tarah is semicolon lagda jadon aap comma to zyada time rukiye utthe comma la semicolon lagda beta hun aa gaya colon। दो बिंदिया एक कॉलन
दी वरतों कित्थे होंदी है बेटा? इहदी वरतों लिखारी दे आप ते डिपेंड है, कोई खास नियम नहीं होंदे बेटा। जदों आपां टैलीफोन ते गल करदे आ उहदे वास्ते जदों आपां लिखदे आ कन्वर्सेशन जिहड़ी आपां जिहनूं कहदे आपां टैलीफोन ते गल करदे आपां लिखदे आ कन्वर्सेशन वार्तालाप, उहनूं आपां पूरा जिस तरह मैं फोन किया जां राम ने फोन किया, किसनूं किया? शाम नूं किया। राम ने जो गल की, राम भोजन पा के जो उन्हें अगे गल की, गल कि की? शाम नाल। शाम भोजन पा के अगे शाम की बोलिया, इस तरह ये कॉलम लगते। हुण इस तो बाद बेटा आप करांगे क्वेश्चन मार्क। हाँ जी बेटा, हुण आ गया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की है? इस दी वरतों जिहड़े प्रश्नवाचक वाक होंदे ने उन्हां दे बिल्कुल लास्ट दे विच कीती जांदी है। जिस तरह इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। कोई भी आप जरा प्रश्नवाचक जो वाक लिखा वो लास्ट में की है क्वेश्चन मार्क लगेगा। इस तो बाद आप करा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। हाँ जी बेटा, हूँ आप करा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। हैरानी, खुशी, गमी, उदास दे भाव नूं प्रकट करन लई असीं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन की वरतों करते हाँ। किस तरह बेटा? देखो अलास, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ही इज राइट फुल स्टॉप। हुरा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन वी वन द मैच फुल स्टॉप। हुरा, खुशी हुई, अलास दुख होया। उस तरह व्हाट अ फाइंड, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। हैरानी, खुशी, दुख दे विच असीं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन की वरतों करते हैं बेटा। इस तो बाद आ गया पुत्र इनवर्टेड कॉमास। हुण करांगे बेटा आपां इनवर्टेड कॉमास। किसी की कही हुई गल नूं इन भिन्न, किसी की कही हुई गल नूं इन भिन्न उसी ही काल दे विच, जदों आपां लिखदे आ तां इन्हां इनवर्टेड कॉमिआं दे विच आपां उहनूं बंद कर दिंदे आ। किसी की कही हुई गल नूं इन भिन्न जो आप लिखते हैं उस ही काल के लिखते हैं तो इन इनवर्टेड कोमिया के आप बंद कर दें। वो किस तरह? देखो बेटा, ही सेड टू मी, उसने मैनू कहा फुल स्टॉप इनवर्टेड कोमा शुरू। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड फुल स्टॉप इनवर्टेड कोमा बंद, कोमा बंद, बिल्कुल बंद करता हूं इनवर्टेड कोमा शुरू करके फुल स्टॉप लगा इनवर्टेड कोमा। तो उन्हें अपन की क्या वर्क हार्ड उसके विच बंद करता। ऐसे तरह ही सेट टू मी, कोमा की क्या जो जिहड़ी गल कही उन्हें कोमा के विच बंद करना। आई लव माई कंट्री, फर्स्ट ऑफ इनवर्टेड कॉमा बंद। वो कहना मैं अपनी इंडिया
अब देश नो सॉरी आई लव माय कंट्री मैं अपने देश नो प्यार करता हूँ तो ये बिल्कुल वो दे बंद कर दिया पाओ कॉमा देना चाहते हैं तो ऐसी इनवाइटेड कॉमा बंद आ सॉरी इनवाइटेड कॉमास भी की होते ने किसी की कही हुई गल इन बिन उस काल के लिखना वो इनवाइटेड कॉमे के बंद करके आप लिखते हैं हूँ बेटा पंक्चुएशन दे कैपिटल लैटर जो आप कोई भी सेंटेंस शुरू कर दिया तो जोड़ा पहला वर्ड का पहला लैटर है वह कैपिटल होंगे इंग्लिश का शब्द आई जो भी आप इकला लिखा सिंगल लिखा तो यह कैपिटल होंगे किसी भी पिंड का नाम नगर का शहर का देश का नाम कैपिटल लैटर के आएगा धर्म का नाम जाति का नाम कैपिटल लैटर के आएगा अखबार का नाम कैपिटल लैटर के आएगा जो कोई तुम सेंटेंस लिखते हो फुल स्टॉप तो बाद उस तो अगला जो कोई वर्ड लिखते हो फुल स्टॉप तो बाद तो उस वर्ड का पहला जो लैटर है वह कैपिटल है ये गल ध्यान रखियो तुम कभी भी जरा काम किया गलत नहीं होगा एक बार दो बार सुनोगे तो बड़ा ये सिंपल है सौखे ही है याद हो जाएगी धन्यवाद।